19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साथ साथ समाज के हर वर्ग को शपथ दिलाने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे। इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन आज गंगोत्री देवी डिग्री कॉलेज में किया गया। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने शपथ लेकर जनता से अपील करते हुए कहा कि 19 मई को होने वाले मतदान के दिन घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्राओं ने कहा, ज्योति वर्मा, 19 तारीख को गोरखपुर में वोट पड़ने वाला है, तो हम यही चाहेंगे कि हम भी वोट देंगे और जितने भी लोग हैं अपने घर के काम काजों को छोड़ के और कहीं भी घूमना फिरना छोड़ के, यहाँ तक कि लोग मूवी देखने चले जाते हैं खाली टाइम में और जगह पार्टी करना पसंद करते हैं, लेकिन वोट देना नहीं पसंद करते। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों और जाके वोट दें। शिप्रा यादव, 19 तारीख कोर्ट के बाद हम यही कहेंगे कि जैसे लोग अपने फेस्टिवल को मनाते हैं उसी तरह 19 तारीख के दिन लोग जाके वोट दें और अपना अधिकार खुद बोले। जनता से ये उम्मीद है कि पहले मतदान फिर जल पाए। राधा जायसवाल, 19 तारीख को गोरखपुर में वोटिंग डे है। वोटिंग डे इज द बेस्ट डे इन द वर्ल्ड। हमको अपने देश के लिए वोट चुनना सबसे बेस्ट माना जाता है और हमको वोट देना चाहिए और लोगों को वोट के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसलिए हमारा मानना है पहले मतदान फिर जलपान। थैंक यू। दीपिका यादव, मैं ये फील कर रही हूँ कि वोटिंग हमारा राइट है और उसे देना चाहिए, स्पेशली यूथ जो हमारे देश के हैं उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा राइट क्या है और इस चीज़ को किनारे रखते हुए कि जात धर्म जो भी एक्सेट्रा इसे छोड़ के हमें ये देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और इसके लिए लोगों को मोटिवेट होना चाहिए ताकि ये हमारा मतदान है वो हमारा अधिकार है, दैट्स माई पावर। तो हमें अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और देश को जागरूक करने में हम युवाओं का ही हाथ रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता राव है। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि 5 साल में एक बार आता है तो सारा काम छोड़ करके वोट देने जरूर जाए, क्योंकि हमारा जन्म से अधिकार है कि हम वोट दें और अपने लिए एक बढ़िया मतलब अच्छा सा नेता चुने जो हमारे हमारे क्षेत्र का हमारे देश का विकास करे। मधु यादव, हमारे देश में 5 साल पर एक बार आता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं और अपना काम छोड़ के और इस वोट देने जाएं और इस देश को आगे बढ़ाएं। अनु गुप्ता, सत्यभामा गुप्ता, हम आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी वोट मतलब दीजिए, क्योंकि हमारा वोट देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए कहना चाहेंगे कि 19 तारीख को गोरखपुर में वोटिंग पड़ रहा है तो अधिक से अधिक लोग अपने घर के सभी कामकाज छोड़कर आए, मतदान करें और अपने विचारों को सही अपने विचार और अपने मतदान का सही उपयोग करें।